तो ये है मेरा छोटा भाई, आशीष ठाकुर नाम है इसका। ये जा रहा है मेरे साथ पानी लेने, और दो और है हमारे गांव के, वो आपको दिख रहे होंगे, ये आग सेक रहे हैं टेंट के पास, और हम जा रहे हैं पानी लेने। सो लेट्स गो। कल वहां जाएंगे, जो ऊपर आपको जो दिख रहा है ना, वहां जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आया तो एडवेंचर करके जाएंगे, खाली हाथ घर नहीं लौटेंगे। तो अभी तो फिलहाल पानी लेना है, क्योंकि पानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खाना वगैरह बनाने के लिए और बाकी भी पीने वगैरह के लिए। ये जोत आप दे सकते हो, ये वाला पीछे जोत आपको दिख रहा होगा, कितना नज़दीक है ग्लेशियर ऊपर से, यहाँ से जोत से ऊपर नीचे की ओर गिरा है, आप देख सकते हो। तो गाइज ये है पानी, साफ पानी भाई, पूरा साफ पानी आप देख सकते हो, मतलब जो बर्फ का पानी होता है ना, वो पानी है ये। तो यहाँ से हाइट चेक करो यार आप, मतलब कितनी ज़्यादा हाइट है। और ये है देवदार के पेड़, देवदार है कि कैल है शायद, पता नहीं, लग तो वैसे ही रहा है पर बस कंफर्म नहीं है कि कौन से पेड़ है, शायद कैल के या देवदार के ऐसे ही। तो अभी पानी भरते हैं हम, फिल्टर भी लगाया हमने ताकि कुछ अंदर घुस ना जाए, और पानी इतना ठंडा है ना गाइस, मतलब आप लोग हाथ लगाओगे ना वैसे करंट टाइप लगेगा आपको, इतना ठंडा पानी है। इसको डालते हैं फिल्टर करके अंदर, और यहाँ से भरेंगे, पूरा साफ पानी है भाई, इतना साफ कि इसमें जंगल की जो जड़ी बूटियाँ होती है वो मिक्स, मतलब शुद्ध पानी एकदम। इस पानी को भी पी के भाई, मतलब कोई छोटी मोटी बीमारी भी हो ना, वो भी दूर हो जाती है इसको पीकर। ऊपर से बर्फ पिघल रही है ना, और वो पानी आप देख सकते हो यहाँ से आ रहा है, ऊपर बंदे चल रहे हैं और नीचे यहाँ पे पता नहीं पानी कहाँ से आ रहा है। हाँ, कोई पता नहीं इस पानी का भाई, ये राज ही समझ लो आप। वैसे तो यहाँ से दिख रहा है, यहीं पर दिख रहा है, ऊपर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, कि कोई क्लू भी नहीं है कि यहाँ पर पानी वगैरह नीचे होगा। तो जो दो बंदे हमारे साथ है वो गए हैं लकड़ी करने। भाई भाई हो गया। अभी थोड़ा सा पानी पी लेते यार, भाई पी लेना पड़ेगा भाई ठंड। वैसे तो हम जैसे बंदे पी सकते हैं ऐसा पानी, लेकिन अगर बाहर का बंदा कोई आ गया तो उसको ध्यान में रखना है कि बॉयल करके ये पानी पीना है, ताकि उसको मतलब वो ठीक रहे, क्योंकि ये बर्फ का पानी होता है, ये हमें बंदे, मतलब की बंदे की जल्दी बीमार होने के चांस होते हैं इसके, इसलिए। तो अभी ये थोड़ी थोड़ी दूर तक वो लेके जाएगा, और थोड़ी दूर तक मैं लेके जाऊंगा। तो यहाँ तक ये लेकर आ गया है, तो अभी मेरी बारी है, ये थक गया गिलास पकड़ रहे, अभी मेरे को उठाना पड़ेगा, इसको उठाएंगे पकड़ लेके जाएंगे, इतिहास ऐसे उठाते हैं। उन दो भाई लोग से मैं आपको मिलाता हूँ जो टेंट के पास है। और गाइस ठंड इतनी है यहाँ पर कि पूछो मत, मतलब -4 अभी मैंने चेक किया था टेम्परेचर। और ये वाला व्यू चेक करो आप, मतलब ये पास में ही जोत है, 20 मिनट का रास्ता भी नहीं है यहाँ से। और गाइस ये जलाई हमने आग, और ये हमारा है कैंप, टेंट वगैरह कुकर वगैरह पूरा सामान आप देख सकते हो, आप देख सकते हो। और ये है, ये हमारे सोनू भाई, और ये विजय भाई, और ये पता नहीं कहाँ पर मगन है, कहीं देख रहे हैं, जोत का एंजॉय ले रहे हैं भाई पूरा, मतलब मगन है पूरे। और ये है जो मेरे साथ पानी लेने गया था, मेरा छोटा भाई किया। तो अभी देख सकते हो आप, हम चार आग सेक रहे हैं, और ये आग सूखी लकड़ियाँ जो भी, मतलब ये जंगल में जो ढह जाती है बर्फ वगैरह से, उनको हमने कुल्हाड़ी से काट वाट दिया है। और हमारा आप टेंट ये है, आप देख सकते हो, और टेंट से टेंट के पीछे का व्यू आप देख सकते हो, मतलब पूरा खतरनाक मौसम वाला व्यू। और कल मैं आपको वहाँ तक जो स्नो है यहाँ तक ले जाने का ट्राई करूँगा। तो ये मेरे तीन भाई है, छोटे भाई है, ये दो बड़े भाई है, तो इनसे पूछते हैं, बात करते हैं कुछ, मतलब ऐसे तो बहुत बोलते हैं, मगर कैमरा के सामने कुछ बोलना चाहे तो अगर देखते हैं है। बोलते हैं कुछ, हम आए यहाँ पे ट्रिप के लिए। हाँ, भाई, बात किसी है भाई। को आना है तो भाई मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, हम आपके लिए सेवा के लिए हाजिर है बिल्कुल। हाँ, सही, जो करना है भाई व्यू चेक कर सकते हैं यार भाई, देखो आप ना, यहाँ पे इतना मजा नहीं आएगा जहाँ आप धर्म जाना जाते हो, त्रिण जाते हो, शिमला है, पूरा इतना व्यू नहीं होगा। 20 मिनट का रास्ता है बस वो वाले जोत के लिए, लगभग 20 मिनट का रास्ता है। हम कल ट्राई करेंगे अगर बना प्रोग्राम, तो अगर बारिश वगैरह नहीं हुई तो वहाँ जाने का ट्राई करेंगे, आपको पूरा दिखाएंगे। तो अभी अभी बड़े भाई पे स्पीच करते हैं कि कुछ बोलना चाहते हैं। तो
तो देखते हैं कुछ बोलना चाहते हैं तो भाई, अगर हो कुछ दिल में आपके छोटे भाई, तो छोटा भाई आपका ट्राई कर रहा है यूट्यूब पे, कुछ बोलना चाहते हो, है 600-700 लोग, तो हमारे छोटे भाई को सपोर्ट कीजिए। हाँ। और तहे दिल से इनके चैनल को आगे बढ़ाइए। आप अगर इसके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी। अगर फिर भी आपने कहीं यहाँ पे घूमना है तो आप हमें मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, हम आपको घुमा के लेके जाएंगे। सही बात है भाई। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और फुल एंजॉय कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट भी कीजिए। सही बात बोली भाई। अब हमसे सबसे बड़े भाई है हमारे, उनसे कुछ बोलते हैं, बातचीत करते हैं। अगर कुछ आपके समक्ष कुछ रखना चाहें वर्ड अपने, कुछ दिल में हो इनके बोलना चाहे तो थोड़ी मत बोल सकते भाई। नहीं भाई, बोल तो हम सबको सकते हैं। हाँ। दोस्तों बात ऐसे है कि ये जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है, ये जो कनकट का क्षेत्र है वो 38 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। तो अभी हम 27 किलोमीटर के सराउंडिंग पहुंच गए हुए हैं। और हम ये जो ऊपर दिख रहा सामने वाला, ये दिखाना भाई। हाँ, ये पूरा ये जो दिख रहा इसको बोलते हैं ना बुहार, बुहार वैली। ये पूरी बुहार वैली, ये जो पहाड़ दिख रहे हैं बर्फ से ढके हुए, ये मणिमहेश जो है ना कैलाश पर्वत की जो श्रृंखला है उसके साथ यही चोटी जुड़ती है। यहाँ 12 महीने बर्फ जाती है। लमडड़ की जो श्रृंखला वो भी इसी घाटी से होती हुई जाती है। तो हम आपको यहाँ लेके जाएंगे ऊपर कल, तो फाइनल हम वहाँ तक आपको लेके जाएंगे। पर वहाँ अभी नहीं लेके जाएंगे क्योंकि अगस्त में जब थोड़ी बर्फ कम होगी, अभी तो 20 फुट के सराउंडिंग बर्फ होगी, वो तो सालों साल ढके रहते हैं, जैसे कम होगी तब हम जरूर आएंगे। पर ये जो ऊपर का जो है ना, यहाँ जो माता है वो मातेश्वरी है और मुरारी माता कहते हैं उनको, और बहुत सारे लोग उनको जोधेश माता भी कहते हैं। हम वहां पे जाएंगे, थोड़ी आरती उरती करेंगे, उनको नमस्कार करेंगे और फिर आनंद ही आना। और हम आपको दिखाते हैं कि लकड़ी वगैरह का प्रबंध कैसे होता है हमारा। आप देख सकते हो, ये देख सकते हो, मतलब ये जो है बिल्कुल सूखा है पूरा, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने मतलब पूरा पेड़ काट दिया है। सूखा जो होता है मतलब बर्फ से जो ढह गया होता है, बर्फ ज्यादा जब बर्फबारी होती है तो उससे जो ढह गया होता है वो पार्ट, वही को हम ऐसे कुल्हाड़ी से काट कर ये हम आग वाग वगैरह जलाते हैं, पूरा एंजॉय करते हैं। वैसे तो हम यहाँ पर घूमते रहते हैं, लेकिन अभी मैंने सोचा तो थोड़ी बहुत मैं वीडियो बनाता हूँ, तो अभी मैं सोचा थोड़ा बहुत ब्लॉग में डाल लेते हैं आपको, क्या पता कि ये व्यू आपको पसंद आ जाए। अगर व्यू पसंद आता है ना तो भाई लोग जरूर आइए, जरूर मैसेज कीजिए। हम वेट है आपके मैसेज का, कर रहे हैं। माता रानी के आशीर्वाद से हम आपका वेट कर रहे हैं। जय शंकर। सो गाइस, अंधेरा ऑलमोस्ट हो ही गया है, आप देख सकते हो। और लकड़ियां आप देख सकते हो, वैसे तो बहुत सारी है लेकिन थोड़ी सी कम पड़ रही है, थोड़ी सी। मतलब अगर हम 11 बजे तक उठे तो मतलब थोड़ा कम पड़ जाएगी। यही लकड़ी है आप देख सकते हो, सूखी लकड़ियां। तो अभी जाते हैं, थोड़ी सी सूखी लकड़ियां वहां पर वो लाएंगे। और ठंड का पूछो मत यार, मतलब -4-5 तक टेम्परेचर हो रहा है इस टाइम। और वहाँ पर बादल कितने घने घने छा रहे हैं, पीछे आप देख सकते हो। अगर ऐसे ही मौसम में रहा तो स्नोफॉल भी हो सकती है यहाँ पर, बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए हम लकड़ी ज़्यादा चाहिए हमको, देख सकते हो पूरी सूखी लकड़ी है ये। इसको भी निकालते हैं हम, ये वाला पार्ट निकालेंगे हम, ये वाला फिर लेके जाएंगे। पर फोर्स पूरी हो चुकी है और यहाँ से मस्त गिरने वाला है, तो मैं भी अब थोड़ी इनकी मदद करता हूँ। ट्राई कर रहे हैं निकलता या नहीं, देखते हैं। अभी ये लगा है आशीष, देखते हैं कितना दम है इसके अंदर। अंदर अभी ये पड़े हैं हमारे साथ, ये तो मतलब खा जाएंगे इसको, पूरा खा जाएंगे। आप देखो, अब देखो कैसे मतलब यहाँ तक पूरा जाता है, आप देख सकते हो। अब दम देखो बंदे का, अब क्या बात है भाई, मान गए। दम देखो भाई का, भाई पूरा हिला दिया, मतलब पूरा क्या फाड़ के रख दी बंदे, दमदार बंदा है पूरा। ओ भाई मान गए यार, अनुभवी बंदे है भाई ये, ऐसे बंदों के साथ घूमने में मजा ही कुछ और है। भाई अंधेरा होने से पहले पहले हमें ये दोनों पूरी काटनी है, आप देख सकते हो ये, और ये कितना बड़ा है आप देख सकते हो। और अंधेरा तो भाई 5 मिनट बाद लगभग होने वाला, 5 नहीं तो 10-15 मिनट बाद हो ही जाएगा। तो ये पूरा ख़त्म करना है हमें, ताकि लकड़ियाँ मतलब पूरी हो सके और इन्जॉय हम पूरा ले सकें। तो यही लकड़ियाँ बची है अभी, जितनी मतलब लकड़ियाँ निकल सकती है निकाल लेंगे अंधेरा होने से पहले, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में और हम आराम से आग सेक सकें।
और ये देखिए मनीष जी हमारे, इनको अगर हम यूट्यूबर ही कहें तो ही अच्छा, क्योंकि बाकी काम इनसे होने वाले है नहीं। थोड़ा आगे थोड़ा ढुक यहाँ पर, आगे गुड और आगे आ जा। सो गाइस अंधेरा यहाँ पर आप देख सकते हो, पूरा चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और यहाँ पर बोनफायर स्टार्ट हो गया है और डांस ऑन द वे। तिरछी नजरों जुलपा, तो भाई हालत देखो यार, मतलब कैसी हो रही है, ये तो पूरे मजे ले रहा है भाई आगे। और चिंगारी कैसी उठ रही है आप देख सकते हो, पूरा झुक जा रहा है। नो बॉल बस स्टार्ट ही होने वाली है, तो मतलब आज का जो दिन है ना उसको आप बोल सकते हो कि पर आग जलने का मेन रीजन है हवा, अगर जरा सी आग जल गई ना फिर हवा आग बुझने नहीं देती। तो अभी हम भी अंदर जा रहे, चले अंदर भाई, टेंट के। Thank you.